लिए चुना गया है। आज का समारोह प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए झारखंड द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एक और कड़ी है। प्लास्टिक प्रदूषण से हमारा पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होता है। हमारे समुद्र, नदियां, तालाब, शहरी क्षेत्र सभी स्थानों पर यह प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है। इससे हमारा स्वास्थ्य और बहुत से पशु पक्षियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। यदि हमने इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में इस स्थिति कहीं अधिक गंभीर हो जाएगी, क्योंकि विश्व में प्लास्टिक प्रोडक्शन की गति लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर विश्व भर में जितना प्लास्टिक पिछले दशक में प्रोड्यूस हुआ उतना पिछली पूरी शताब्दी में नहीं उत्पादित हुआ था। यह कहना भी सही नहीं होगा कि हम प्लास्टिक को अपने जीवन से पूरी तरह अलग कर सकते हैं। बहुत से क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग आवश्यक भी है। जो हम आसानी से कर सकते हैं वो है सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह बंद करना। ऐसा करने में हमें बहुत लाभ होगा और जो कुछ असुविधा उत्पन्न होगी वो हम आसानी से उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में झारखंड में प्लास्टिक कैरी बैग्स का उत्पादन और उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस तरह के कानूनी कदम महत्वपूर्ण हैं, किंतु प्लास्टिक के उपयोग को प्रभावी रूप से कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता का होना भी आवश्यक है। आज जो चार अभियान प्रारंभ हो रहे हैं और जिनके बारे में अभी आपको PCCM श्री संजय कुमार ने जानकारी दी, उनका प्रयास इस दिशा में भी होगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज शुरू किए जा रहे चारों अभियानों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।